सांगढ़ प्रेस क्लब के सामने सिंधियानी तहरीक की औरतों ने गुलशाना शर और फहमीदा शर की कारोबारी के निजाम के तहत बेगुनाह कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात के मुताबिक गुलशाना शर और फहमीदा शर को बासर वडेरों ने कुछ दिन पहले कारोबारी के फरसूदा निजाम के तहत बेगुनाह कत्ल करवाया था, लेकिन अभी तक कातिलों और उन जागीरदारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। वडेरा शाही और जागीरदारी निजाम के तहत बनी हुई कारोबारी के फरसूदा निजाम के खिलाफ प्रेस क्लब सांगढ़ में एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मुजाहरीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जरगा के तहत कारोबारी के निजाम को खत्म कर दिया, लेकिन अभी तक कोई भी मुस्बत कदम नहीं उठाया गया। हम अब सरदारों, वडेरों और जागीरदारों को बताना चाहते हैं कि हम अब एक एक बेगुनाह बहनों के कत्ल का हिसाब लेंगे। ये जुर्म और सितम, ज्यादती और कारोकारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर अपील करते हैं कि गुलशाना शर और फहमीदा शर के साथ इंसाफ फराहम किया जाए और उनके कातलों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं और सरेआम फांसी दी जाए ताकि उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें। सख्त एहतजाज करते हैं ह्यूमन राइट्स जिले सांगढ़ की तरफ से। जो हमारी बहनें आई हैं सिंधी यानी तहरीक के, उनके साथ हैं। जो इन जुल्म हुआ है गुलशाना शहर और फहमीदा शहर को बेगुनाह कत्ल किया गया है, उनको कातिलों को गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दी जाए और जो अली शाह के साथ और उसके वालदा के साथ जो ज्यादती की है उसकी भी पुरजोर मदमत करते हैं। और हम सबको फकत इन औरतों के नाम नहीं है, हम उन सारी हमारी औरतों का खून का हिसाब लेना चाहते हैं। ये मुतालबा करते हैं इनको फौरी निज़ाम को, सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से नोटिस लेना चाहिए। जो ये जरगा करवाते हैं इन पे नोटिस लेना चाहिए। हमारा ये मुतालबा है कि उनको सज़ा दी जाए और सरेआम उनको फांसी पर लटकाया जाए कि जैसे आइंदा कोई किसी बेटी की ऐसे बेगुनाह कत्ल ना हो।